स्वर्गीय श्री जयप्रकाश पाठक की स्मृति में मांगरूल रोड स्थित निजी कॉलोनी परिसर में आयोजित श्री वैष्णव महापुराण कथा के चौथे दिन रविवार को व्यासपीठ पर विराजित पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वालों ने उपस्थित श्रोताओं को बताया कि कथा परिसर में कई श्रद्धालु प्रातः 7 बजे से ही आकर कथा का श्रवण लाभ लेकर अपना जीवन सुधार रहे हैं। वहीं अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करता है एवं पाश्चात्य संस्कृति को ज्ञात कराते हुए कहा कि जो नई पीढ़ी एवं कोई व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहनता है उनके यहाँ कर्ज एवं दरिद्रता ही हमेशा रहती है एवं लक्ष्मी वहाँ निवास नहीं करती। परमात्मा को भजते रहो, बुजुर्गों माता पिता की सेवा में जुटे रहें तो भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचकर महाशिव पुराण का श्रवण लाभ ले रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आप भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। आपने लिखा है गुरुजी जिन शिव मंदिरों में फूल पड़े रहते थे, बेलपत्र पड़ी रहती थी, दूध चढ़ता था तो उसकी गंध आती रहती थी, भगवान के ऊपर चीटा चीटी सब चढ़े रहते थे, अब जब से शिव महापुराण की कथा 2 साल से लोग इस कोरोना काल के अंतर्गत टीवियों पर सुन रहे हैं तब से शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतने साफ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मन का भाव लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया। विराजमान श्री शिवाय मंदिर, शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है वो केवल एक, इन्होंने लिखा है एक मंदिर का नहीं कह रहा हूँ मैं, हमारे गांव के पास में जितने मंदिर है शंकर जी के वहां पर माताएं हो बच्चे हो सफाई कर चल रहे हैं और शाम होती है श्रृंगार कर चले जाए। बस ये लोग भले उनको पागल कहते हो पर सबसे मायने में कहता हूं कि उनके बराबर कोई समझदार नहीं है, उनके बराबर कोई समझदार नहीं है। एक वो गाने की लाइन आ गई हुई ध्यान में हमारा, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी, हमने जीवन में एक चीज की होशियारी नहीं सीखी क्योंकि हम बच्चे हैं और वो हमारा पिता। ज्यादा होशियार बनकर अपने को कहीं नहीं जाना, अपन तो ऐसे बन के जाओ जो होशियार है उनको होशियार रहने दो, जो होशियार है उनको होशियार। एक शंकर की भगत उज्जैन कुंभ में मिली, जो बड़ी अगरबत्ती लगी थी ना लंबी वाली, उस अगरबत्ती के पास। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।